पंचकुला के सेक्टर 20 में लगातार पेड पार्किंग का विरोध हो रहा है, जिसके एवज में रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20 के लोग कमिश्नर के पास भी पहुंचे, वहां पे उनको अपना ज्ञापन भी दिया। उन लोगों की डिमांड के बीच में, इन सब के बीच में पेड पार्किंग के जो ठेकेदार हैं उनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, क्या सच में ये जगह सही है पेड पार्किंग के लिए या गलत है। लालचंद जी, ये बताइए, लगातार मार्केट से विरोध का देखा जा रहा है 14 और 20 की पार्किंग को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? 14 में तो कोई विरोध नहीं है, 14 तो ठीक चल रही है, 14 तो मार्केट खुश है, 14 वालों को कोई दिक्कत नहीं है। 14 तो कल काफ़ी मार्केट वालों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने 14 के लिए तो कहा जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा हुआ है यहाँ पार्किंग पेड़ हो गए। 20 में है कुछ, यहाँ आगे पार्किंग शुरू करी थी उस टाइम मार्केट में ये रेडी फड़ी वालों ने लेके कुछ बात हुई थी, उस टाइम यहाँ के जो MC हैं वो भी आए हैं, फिर MC में बातचीत करी उन्होंने और फिर हमें कह दिया गया कि 7 तारीख तक आप पार्किंग बंद कर दो, 7 से दोबारा शुरू कर लिया, इस तरह कुछ बात हुई थी। अभी लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो क्या लग रहा है आपको कि क्या आपका यहाँ पे पार्किंग लेना वाजिब था या गलत डिसीजन था या फिर क्या होना चाहिए MC की तरफ से टेक्निकल क्वेश्चन? देखो, ये मार्केट की जो भी मार्केट के फरदान हैं या मार्केट के सारी सोसाइटी है, MCA, ये इनके बीच की लड़ाई है, इस लड़ाई से मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने तो एक बिजनेस करना है, पेपर में देखे, मैंने ऐड दे दी, देखे टेंडर ले लिया है। अब इसके बाद तो इन्हें ये फैसला, मैं मार्केट के साथ हूँ और डिपार्टमेंट के साथ हूँ, दोनों के साथ हूँ, अगर मेरे पैसे डिपार्टमेंट वापस कर देता है मार्केट नहीं, तो आपको शर्तों पे पूरा उतरना ही है, लेकिन मार्केट का विरोध आपके लिए कितना खामियाजा अभी तक नहीं इतना हो सकता? देखो, मार्केट के साथ चलना है, अगर मार्केट के साथ हम लड़ाई करेंगे तो मार्केट पूरा होता है, ठेकेदार एक होते हैं, उसके पास 10 लड़के काम करने वाले होते हैं, हम यहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हम लड़ाई करेंगे। ये तो जो भी है MC ने हमारा रास्ता देखना है, वो मार्केट से बात करेगी, जो भी सुझाव होगा प्रशासन देखेगा कि क्या सुझाव है। कहा जा सकता है कि आप MC की तरफ मुंह देख के खड़े हैं कि कब वो इस चीज़ का सलूशन दे, मैं अपना काम स्टार्ट करूं। बिल्कुल, अभी तो उन्होंने खैर मुझे 7 तारीख तक तो कह ही दिया कि आप 7 का शुरू करोगे, 6 तक दिवाली की वजह से ये रेडी फड़ी होंगे, कुछ पर्चियाँ पुर्चियाँ कटी हुई है इनकी जो भी है उसकी वजह से थोड़े से लोगों की तंगी आएगी, इसलिए उन्होंने कहा जी आप 6 तारीख तक रोक दो पार्किंग को, उन्होंने मुझे बोल दिया है, बातचीत होगी तो मैंने 6 तक तो बंद कर दिया, अब 7 का देखो क्या फैसला आता है, 7 को पता चलेगा जी। तो ये 6 रुपये और 12 रुपये की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है आपको ये राउंड फिगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो कई लोगों से आपकी भी बातचीत हो जाती है? ये जी ऐसे है, जो 6 और 12 रुपया रखा हुआ है ये है, जैसे मान लो 5 रुपया MC के खाते में जा रहा है, 1 रुपया GST, 2% 18% GST होगी, 2% TCS है, जैसे अपने चंडीगढ़ में भी है यही 12-10 रुपया पे सेम 2 रुपया टैक्स है, तो चंडीगढ़ में भी यही है, तो चंडीगढ़ को देखते हुए कह दिए, आजकल जो भी है जैसे पर्ची है तो पर्ची के ऊपर डिपार्टमेंट को भी टैक्स लेना चाहिए और पब्लिक को देना चाहिए, ठेकेदार को तो आगे जमा कराना ही पड़ता है। अगर ये कल को पार्किंग सक्षम हो जाती है तो किन लोगों को इसमें छूट रहेगी? जैसे जी यहाँ अपने मान लो पुलिस है, पुलिस को छूट है, MC के अधिकारी है उनको छूट है, या हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सरकारी गाड़ी आती है जिस पर हरियाणा गवर्नमेंट लिखा है वो छूट है, फ्रेश है फ्रेश छूट है, और हाँ हैंडीकैप्ट है वो छूट है। इसके अलावा RWA के लोग जो कमिश्नर से मुलाकात किए थे, उन लोगों का क्या कहना है, क्या वो अपना मन में रखते हैं, क्या उनकी लड़ाई ठेकेदार से है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है? तो 7 सितंबर को जब इन्होंने फैसला किया और 8 को अखबार में आया, 6 को फैसला किया, 7 को अखबार में आया, उस दिन से हम विरोध बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि पूरे पंचकुला के अंदर, पूरे ट्राई सिटी के अंदर कोई भी इंटरनल पार्किंग जो अंदर है सेक्टर के वो हमें पेड़ दिखा। मैंने देखा कि 14 सेक्टर से विरोध की आवाज़ आई तो मैंने देखा वहाँ का पार्षद भी JJP का, यहाँ का भी पार्षद JJP का, और जब हमने मेयर साहब से बात की, मेयर साहब को जब लिख के भी भेजा तो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू एंड रियलाइजेशन की मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर आपके पार्षद ने तो ये सुझाव रखा निगम को। अब मैं निगम वाले को भी कहना चाहता हूँ, 6 तारीख को जब उनकी मुझे पता लगा मीटिंग है, जब यहाँ का MC जिसके कहने पे उन्होंने पार्किंग लगाई थी, अब वही उसका विरोध कर रहा है। तो हमारा विरोध ना ठेकेदार से है ना कुछ है, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि 20 सेक्टर में जो आप इस पार्किंग को लागू कर रहे हैं, जिस समस्या को लेके आप लागू कर रहे हैं उस समस्या को तो सोचो। जो ट्रैफिक है, समस्या ये है कि यहाँ ट्रैफिक है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, बॉटलनेक है यहाँ पे, बिल्कुल शाम को बहुत बुरा हाल हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि आप जिस वजह से, मेरी भी गर्ग साहब से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि ट्रैफिक को कंट्रोल हो जाएगा जब हम इसको लागू करेंगे, मगर मेरे को 10 साल हो गए हैं कहते हुए कि भैया यहाँ 1-way ट्रैफिक कर दो, इससे सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगी, उसके बाद आप पार्किंग लगाते हो और हर चीज़ स्टेबलाइज हो जाएगी। MC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मेयर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और हम तो इसके अलावा MC साहब को भी ये कहते हैं कि इसमें आप पुनर्विचार करें और इसमें ये लागू ना करें।